नमस्कार, मैं उषष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। सेना के शीर्ष कमांडरों ने भारत की सुरक्षा चुनौती और एलएसी के पास स्थिति की करी समीक्षा। आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर आज किसान करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम का भेजेंगे ज्ञापन। पंजाब के बाद अब श्रीनगर में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने का मामला आया सामने, यूएपीए के तहत केस दर्ज। हिमाचल में बर्फबारी से बड़ी शीतलहर, कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों तक हो सकती है बारिश। अमेरिका के इडाहो के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 4 युवक घायल, 2 की मौत। भारतीय कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया, कोवैक्सीन लगाने वालों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री। तख्ता पलट के बाद सेना ने प्रधानमंत्री को किया गिरफ्तार, अमेरिका ने रोकी आर्थिक सहायता। कमर्शियल रियल स्टेट में आया बूम, दिल्ली के सबसे महंगे खान मार्केट और कनॉट प्लेस में 17% तक बढ़ा किराया। आईपीएल में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों की हुई एंट्री, अगले सीजन कुल 10 टीमों का होगा मुकाबला। टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ गणपत में आएंगे नजर, निभाएंगे बाप बेटे की भूमिका। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।